चीज़ें बोली हैं, क्योंकि भैया मुझे ज़बरदस्ती किसी को रोकना नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात बताऊँ, आप भी अपने लाइफ में किसी को ज़बरदस्ती ना रोकें, चाहे वो रिश्ते हों, दोस्तों, कोई हो, जाने दो जो जा जा रहा है। पोर्टफोलियो बना लिया है और उसके अंदर हम सिप लगा रहे हैं, या काफ़ी शेयर हमारे हो गए हैं और उसके अंदर अच्छा खासा हमें प्रॉफिट आ रहा है, क्या हमें उसके अंदर से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? कुछ की रणनीतियाँ आपको बड़े ध्यान से कल समझा के गया हूँ, उससे पहले भी समझाई, वो वर्क कर गई हैं। वेदांता की रणनीतियाँ क्यों मैंने आपको कल दोबारे से वो समझाई, वो आप सबको बताया कि वो क्या रणनीति। अच्छा लगता है कि हाँ भैया कुछ इस चैनल से मिल रहा है तो आपको फिर वीडियो देखनी है, और अगर आपको लगता है कि भैया इस चैनल से कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर आपको अपना टाइम नहीं ख़राब करना है, क्योंकि आपका अपना समय बहुत कीमती है। न्यूज़ में जो हेडिंग आते हैं, लाइन होती है, उसको समझने की शक्तियाँ मिलेगी और उस न्यूज़ के भाप कर आगे की रणनीतियाँ बनाने की आपको यहाँ से एक शक्ति ज़रूर मिलेगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर जोमैटो की, बात करेंगे अडानी पावर और अंबुजा सीमेंट की, और बात करेंगे आर पावर की। देखो सर, इस चैनल पर आपको हमेशा सच की चीज़ें देखने को मिलेगी। न्यूज में जो हेडिंग आते हैं, लाइन होती है, उसको समझने की शक्तियाँ मिलेगी और उस न्यूज के भाप कर आगे की रणनीतियाँ बनाने की आपको यहाँ से एक शक्ति ज़रूर मिलेगी। बल्कि ये नहीं मिलेगी भैया खरीद लें, बेच लें, ये वो कर लें, ये यहाँ कुछ भी नहीं होता। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, हमारी आपस की जो आप भी कुछ लिखते हैं, हम भी कुछ उसमें समझते हैं, उसमें एनालाइज करते हैं, उस विधि से आज तक हम तो प्रॉफिट में हैं भैया। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, मैं तो प्रॉफिट में हूँ, आप कौन कौन प्रॉफिट में हैं? जिस विधि से हम चीज़ों को समझते हैं, क्या वो काम आ रही है? क्या अच्छे शेयरों को हम जो अपने पोर्टफोलियो में गिरावट में भी संभाल लेते हैं, क्या वो चीज़ें काम आ रही है? क्या वो चीज़ें काम आ रही है कि कुछ अच्छे शेयरों से भी हम प्रॉफिट ले लेते हैं? क्या दूसरे अकाउंट की रणनीतियाँ, क्या ये हमारे काम आ रही है? तो उन चीज़ों को अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ भैया कुछ इस चैनल से मिल रहा है तो आपको फिर वीडियो देखनी है, और अगर आपको लगता है कि भैया इस चैनल से कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर आपको अपना टाइम नहीं ख़राब करना है, क्योंकि आपका अपना समय बहुत कीमती है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं लंबी वीडियो है, कुछ लोग कहते हैं छोटी वीडियो बनाओ, कुछ लोग कहते हैं टारगेट बताओ, कुछ लोग कहते हैं वैसे करो वैसे करो, तो मैं कभी भी इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ता कि मैं किसी के लिए बदल जाऊँ। और मैं आपको भी कहता हूँ कि आप भी किसी के लिए कभी भी मत बदलना। बदलना है ना, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं उसमें बदलना है। बदलना तब है कि अगर हमारे विचार गलत हैं, हमारे विचार से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, तब इंसान बदलता है। पर जो बंदा ग्रोथ कर रहा है, उसे लोग कहेंगे भैया इस तरह कर लो, उस तरह कर लो, तो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों में आपको नहीं आना है। ये मेरे लिए भी लागू है, आपके लिए भी लागू है। आज जिस मुकाम पर मैं हूँ, आप हैं और लोग हैं, कुछ लोग अच्छे अच्छे मुकाम वाले को भी सलाह देते हैं, तो लाजमी जो ऊपर बैठा है ना भैया, उस पर तो कुछ दिमाग है, तभी तो वो वहाँ पर बैठा है। तो सब अपनी क्षमता के अनुसार कमाते हैं, इसलिए आपको अगर मेरे चैनल से कुछ अच्छा मिल रहा है, देखो सर मुझे लालच नहीं है कि मैं आपको कहूँगा कि बार बार मुझे सब्सक्राइब कर लो। क्या मैंने आज तक आपको बड़े फोर्स लगा कर ये बोल दिया हो कि लगातार हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लो? बीते दिनों 4 से 5-6 बार ही बोला होगा भैया 1 लाख करवा दो, उसके बाद नहीं बोलूँगा। उससे पहले तो नहीं बोला कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर थे, 2000 थे, 50,000 हुए, 60,000 हुए, 70,000 हुए, 80,000 हुए, 90,000 हुए, 95,000 हुए, तब तो नहीं बोला। कब बोला है? जब 97 मेरे हो गए, मतलब 97K हो गए, 97,000 हो गए, तब मैंने आपको वो चीज़ें बोली हैं। क्योंकि भैया मुझे ज़बरदस्ती किसी को रोकना नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात बताऊँ, आप भी अपने लाइफ में किसी को ज़बरदस्ती ना रोकें, चाहे वो रिश्ते हों, दोस्तों, कोई हो, जाने दो जो जा जा रहा है। अगर हम अच्छे हैं ना भैया तो हमारा कारवा बढ़ेगा, अगर हम गलत हैं तो फिर वो चीज़ें गलती हो जाती हैं। क्योंकि मुझे किसी को यहाँ गुमराह नहीं करना है भैया कि कुछ न्यूज और कुछ और समझा दूँ। तो अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं तब आप जाकर कुछ अच्छा मेरे अकाउंट, मेरे चैनल में आपको मिलेगा, और नहीं मिल रहा है तो भैया हम सब
अपने अपने विषय के मालिक हैं, ये आपको समझना है ना। तो ये आज आपको डिसाइड करना है ना। तो मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर अब होने वाले हैं, कुछ ही रह गए हैं, वो सब आपकी बदौलत ही हुआ है ना। मैं हर बार आपको नहीं कहता भैया मेरा सब्सक्राइब कर दो या जो भी बटन है उसे दबा दो, बिल्कुल भी नहीं कहता मैं कि भैया दबा दो और आपको नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे जब भी मैं नई वीडियो डालूँ। ये इस चक्रों में मैं पढ़ता नहीं। तो आज ये चीज़ें थोड़ी बतानी ज़रूरी थी। कुछ लोग कहते हैं ना लंबी वीडियो हो गई, कोई कहता है छोटी वीडियो हो गई। भैया चीज़ें समझो कि कल आपको ओला में समझाया क्या कहा था, बड़े ध्यान से समझना है। मैं ओला की रणनीतियाँ आपको बड़े ध्यान से कल समझा के गया हूँ, उससे पहले भी समझाएं वो वर्क कर गए हैं। वेदांता की रणनीतियाँ क्यों मैंने आपको कल दोबारे से वो समझाई, वो आप सबको बताया कि वो क्या रणनीतियों के साथ वेदांता है। समझ में आ गया ना वो चीज़ें आपको। दूसरा सुजलोन एनर्जी आर पावर जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें भी मैंने आपको समझा दी है। और मोर पैन लैब की तो फिर बात ही क्या है ना। मोर पैन लैब आपको पता है सर एमपॉक्स जो बीमारी है उसकी वजह से ग्रोथ कर रहा है। फिर भी कह रहा हूँ लंबे समय का विषय इसके अंदर बनाना पड़ेगा आपको। ये शॉर्ट टर्म की चीज़ें तो होती ऊपर नीचे होती जाएंगी, लंबा विषय देखिए कि कंपनी क्या वर्क कर रही है। तो इन सारी रणनीतियों पे मैंने बीते दिनों और कल वर्क किया है, वो लाजमी काम कर रही है और वो हमें एक प्रेरणा दे रही है कि हाँ भैया इस तरह काम करना है आगे बढ़कर। देखो सर कुछ लोग पूछते हैं कि सर अगर हमने कहीं लोगों का अपना पोर्टफोलियो बना लिया है और उसके अंदर हम सिप लगा रहे हैं या काफ़ी शेयर हमारे हो गए हैं और उसके अंदर अच्छा खासा हमें प्रॉफिट आ रहा है, क्या हमें उसके अंदर से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, कुछ कर लेना चाहिए? तो भैया अगर मैं अपनी रणनीतियाँ बताऊं कि अगर मैंने कोई अपना लॉन्ग का पोर्टफोलियो बनाया है और मुझे उसमें आ रहा है प्रॉफिट, तो अगर मेरे पास उसके शेयर मान लो 400 हैं तो मैं अगर उस प्रॉफिट को भुनाना चाहता हूं तो मैं 200 बेच दूंगा। क्यों बेच दूंगा? क्योंकि भैया इस अकाउंट में जो मेरा लॉन्ग का है या तो सिप लग रही है या फिर मेरा दूसरे अकाउंट से जो प्रॉफिट आ रहा है वो उसमें समा रहा है, पर इसका अकाउंट का जो प्रॉफिट है और अदर भी मेरे शेयर होंगे वो भी कहीं रेड होंगे, कोई ग्रीन होंगे, कोई कुछ ग्रीन होगा, कुछ कुछ रेड होगा। तो फिर जब हमें कहीं ना कहीं से कुछ प्रॉफिट आ रहा है तो आधा प्रॉफिट हमें उसे निकाल कर उन शेयरों में वहीं के वहीं लगा दो, बाहर ना निकालो उसे, मतलब अगले दिन आ ही जाएगा वो। तो फिर उसे आपको देखना है कि हाँ इस चीज़ के लिए भी आपको कभी ना कभी अपने लॉन्ग का पोर्टफोलियो जो है उसके अंदर से प्रॉफिट थोड़ा सा लेकर वहीं के वहीं दूसरे शेयरों पर लगा देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी अमाउंट का जो इन्वेस्टमेंट है ना, अगर 5,00,000 और आपने 50,000 का प्रॉफिट बुक करा तो 5,00,000 इन्वेस्टमेंट अगले बार जब आप कुछ खरीदोगे तो वो 5,50,000 हो जाएगी। और मैंने आपको क्या कहा है, आपको इन्वेस्टमेंट देख कर चलना है। तो हाँ लॉन्ग के शेयरों के अंदर भी अगर आपको प्रॉफिट आए तो सारे नहीं बेचने हैं वहाँ पर। मैंने आपको क्या कहा, सारे नहीं बेचने, क्योंकि LIC ने भी कई बार दिखाया ना अभी हिंदुस्तान कॉपर से, सारे तो उन्होंने होल्डिंग नहीं बेची। अब क्या करा, उसने कुछ बेच दी, अब कुछ शेयर नीचे आएगा वो फिर दोबारा से खरीद लेगा। इससे क्या होता है, इससे अपना पोर्टफोलियो बढ़ जाता है। तो काफ़ी लोगों के अंदर ये भ्रम है। देखो सर मैं जो सोच रहा हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ, बाकी लोग क्या सोचते हैं मुझे उसका पता नहीं। काफ़ी लोगों के अंदर भ्रम है, बस मैं डालता जाऊँ और उसे प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा करता जाऊँ। पर आपका अंदर यह भावना भी आनी चाहिए, मेरा जो पोर्टफोलियो वो 1-2 शेयरों का नहीं है भैया, 10-20 शेयरों का है। तो कोई ग्रोथ में जाएंगे, कोई निगेटिव होंगे, जो निगेटिव है उसके अंदर ग्रोथ से उसमें पैसा डाल दो तो वहाँ से एक मेंटेन हो जाएगा आपकी चीज़ें। यहाँ से एक शक्ति आपको एक चीज़ मिल जाएगी, आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा मजबूत और आपने अलग से पैसा भी कोई बाहर से नहीं डाला, मार्केट से निकाला, मार्केट का और बाहर नहीं निकालना। हाँ ये है कि लॉन्ग के जो पोर्टफोलियो है ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए तो भैया बाहर निकाल लो, अगर ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तो वहीं के वहीं अलग अलग चीज़ों के अंदर रख लो, वो आपको मजबूत कर सकता है। किसी ने मेरे से पूछा, मैंने आज आपको इसके बारे में बता दिया। आपको ये विधि कैसी लग रही है कृपया एक बार मुझे ज़रूर बता देना। देखो तो जब ये न्यूज आती है ना भैया, इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ता है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। पर इसकी विधि को जानना है कि वो चीज़ें कब तक के हमारे सामने हो सकती हैं। कुछ लोग अच्छी न्यूज को देखकर अगले दिन सोचते हैं कि भैया न्यूज बेस्ड शेयर खरीदते हैं वो, तो वहाँ पर लाजमी हम बड़े धोखे खा सकते हैं। मैंने हर बार आपको कहा कि रिजल्ट अच्छा आने के बाद आप उस शेयर को खरीदने के बाद ही आगे ना बढ़ें, रिजल्ट का बैलेंस शीट देखकर लॉन्ग का विषय बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अभी गेल ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया था तब से शेयर गिर रहा है, उस दिन भागा लेकिन अगले दिन से उसने शेयर गिरना शुरू कर दिया, क्या गेल खराब हो गया? इसलिए कहता हूँ कि न्यूज बेस जब भी हम किसी शेयर को लेते हैं
तो लाजमी 70-80% वहाँ पर टेंशन आ जाती है, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म का विषय बनाकर कुछ चीज़ लेते हैं। और जब भी कोई न्यूज आती है वो विस्तार करके जाती है किसी न किसी कंपनी के ऊपर, चाहे वो निगेटिव न्यूज़ हो, निगेटिव विस्तार करेगी, पॉजिटिव न्यूज और पॉजिटिव विस्तार करेगी। पर ये आपको समझना है कि वो समय कब है। मैं बात कर रहा हूँ सर जोमैटो की, और जोमैटो के अंदर एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर कल जो आई है, पर इससे पहले भी आपको देखने को मिला था, ये न्यूज़ पहले भी आई थी, जहाँ पर जोमैटो और पेटीएम के अंदर एक अधिग्रहण करने वाली चीज़ें हो रही थी, जो पेटीएम का टिकट बिजनेस जो है उसे वो खरीदना चाह रहा था जोमैटो। अब उस दिन तो भाग गया था भैया शेयर, कल ये न्यूज़ निकल कर आई, आज शेयर ने थोड़ा रौनक दिखाई, फिर शेयर आज आपको रेड की तरफ देखने को मिला। यहाँ से क्या चीज़ निकली, यहाँ से ये चीज़ निकली कि जोमैटो ने पेटीएम का जो टिकट का बिजनेस है ना भैया, उसके लिए अधिग्रहण करने की चीज़ें आ गई हैं। पहले बात हुई थी, अब अधिग्रहण करने की चीज़ें हो गई हैं। इसके अंदर ये जो कारोबार 2048 करोड़ रुपए का है। अगर ये टिकट का कारोबार 100 करोड़ 200 करोड़ का होता तो वैल्यूबल जोमैटो के लिए नहीं था। बाई चांस समझो कि अगर 100 से 200 करोड़ रुपये की चीज़ें खरीदता तो इतना वैल्यूबल चीज़ें नहीं थी। ये 2048 करोड़ रुपये का अधिग्रहण है। अब पेटीएम को इससे अपनी चीज़ों को और अच्छा करने की चीज़ें बन जाएंगी, पर आप समझो कि जोमैटो 2048 करोड़ रुपए देना चाह रहा है, और वो भी टिकट के कारोबार के लिए। तो ये टिकट का जो कारोबार है भैया फिर छोटा नहीं है, आप समझ लेना। जोमैटो एक फूड डिलीवरी कंपनी है, और ब्लिंकिट के साथ किराने के जो वर्क होता है, राशन का काम होता है, उसके लिए भी अच्छा वर्क ये कर रही है। जून 2023 में कंपनी ने 2416 करोड़ रुपए की सेल्स की, और 2 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था जून 2023 में। जून 2024 में कंपनी ने 4206 करोड़ रुपए की सेल्स की, और 239 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया। 2 करोड़ से 239 करोड़ का प्रॉफिट का सफर जोमैटो ने साल भर में कर दिया। और आपको ताज्जुब अब होगा कि पहली बार जून 2023 में 2 करोड़ का प्रॉफिट किया था, उससे पहले लिस्टिंग के बाद लॉस कर रही थी। जून 2023 के बाद 2 करोड़ से 239 करोड़ लगातार प्रॉफिट किया है फिर कंपनी ने, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री लगातार प्रॉफिट किया है। तो यहां से क्या आपको देखने को मिल रहा है, कंपनी प्रॉफिट में आ गई और सेल्स और अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है। मार्केट कैप अगर हम कंपनी का देखें तो 227,792 करोड़ का है। हाई कंपनी का अगर हम देखें तो करीब 281 रुपये का, और लो 90 रुपये का, और अभी करंट प्राइस चल रहा है 258 रुपये का। आज काफ़ी लोग इस न्यूज़ की उम्मीद से इसको भागते हुए देख रहे थे। रिजर्व अगर हम कंपनी के अंदर देखें 19,545 करोड़ का है। उधार कंपनी में लगभग 749 करोड़ का है, आप ये समझना। कैश फ्लो अगर हम देखें तो अभी तक के जब से लिस्ट हुई कंपनी अपना कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कुछ काम से डाल नहीं रही थी, पहली बार मार्च 2024 में कंपनी ने कर 646 करोड़ रुपए अपने काम से डाले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि कंपनी अपने चीज़ों में अव्यस्त होती जा रही है। फाइज कंपनी के अंदर अगर हम देखें तो 54.11% है, इसके अंदर प्रमोटर बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। डीआईस कंपनी के अंदर 15.79% है, बढ़ रहे हैं FIs, बढ़ रहे हैं और पब्लिक भी बढ़ रही है। पब्लिक कंपनी 28.64% है, और अदर कंपनी 1.45% है। तो प्रमोटर नहीं है इस कंपनी के अंदर, फिर भी कंपनी FIDIs के माध्यम से अच्छे वर्क के साथ आपको आगे की तरफ दिख रही है। और पेटीएम का ये जो बिजनेस है 2048 करोड़ रुपए का, जो इन्होंने अधिग्रहण के साथ बताया, लाजमी ये बेस्ट है, इसकी रणनीति फिर से दोबारा समझेंगे। वैसे उसी दिन मैंने आपको समझाया था, देखो सर पेटीएम जिस तरीके से टिकट का ही काम करता था, पर आपको जोमैटो फूड का काम करता है, और आपको पिक्चर हॉल में क्या देखने को मिलता है, कैंटीन देखने को मिलती है। अगर इसने अपने फूड की बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ उसके अंदर ऑफर डाल दिया है, भैया इतना खाना और इतना टिकट फ्री, और टिकट के साथ ये फ्री और वो फ्री, तो इसका कारोबार जम मार जाएगा। ये मैं आपको अपनी विधि से बता रहा हूँ, लाजमी ये फैक्ट की चीज़ें हैं, क्योंकि फूड पे तो पहले काम कर रही है, और आपको देखने को कैंटीन भी देखने को मिलती है, और वही एक माध्यम हो जाता है कि अगर इसने टिकट का कारोबार का अधिग्रहण इस तरीके से किया तो ये इसकी वैल्यूबल चीज़ों को दर्शा रहा है। अब बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म भी इस काम के साथ इसको और अच्छा मान रहे हैं, तो यानी कि ये न्यूज़ जो है बेस्ट है। शेयर भागा वो हमें नहीं पता है, शेयर गिरा वो हमें नहीं पता है, पर हाँ लाजमी है कि इस न्यूज़ का इफेक्ट पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म ने भी इसकी चीज़ों को अच्छा बता दिया है।
टारगेट निकल कर आ रहे हैं भैया, 275 रुपए के टारगेट निकल कर आ रहे हैं, 280 रुपए के टारगेट निकल कर आ रहे हैं, 270 रुपए के टारगेट आ रहे हैं, 335 रुपए के टारगेट आ रहे हैं। तो न्यूज जो है लाजमी अच्छी होती है, लाजमी बेकार होती है, इफेक्ट कब डालेगा ये आपकी रणनीति होती है। तो ये इफेक्ट डाल रही है अच्छा, पर ये नहीं कि आपको आज ही दिखना था इफेक्ट, कल परसों फिर दिख जाएगा बाद में। तो लाजमी अपने कारोबार को जोमैटो ने बढ़ा लिया है। अच्छा, एक चीज मैं आपको एक चीज और बताऊं कि अडानी पावर की रणनीतियां, बीच में मैंने आपको बताई कि इसने सरकार के जो लक्ष्य है 80 गीगावाट जोड़ने के थर्मल पावर से, उसके अंदर 30 गीगावाट की क्षमता ये भी बढ़ा लेगा और 11 गीगावाट करीब की क्षमता जोड़ने के लिए वर्क करेगा। दूसरा आपको एक और न्यूज देखने को मिली जहां पर अडानी पावर ने यह कहा कि वो बांग्लादेश में दूसरी सत्ता में जो आ रहे हैं उसके बाद भी वो लगातार अपनी बिजली देता रहेगा, यानी कि अपना बिजनेस वहां भी ये सेट दोबारा से करते जाएंगे क्योंकि दूसरी सरकार के साथ भी मिलकर ये वर्क करेंगे। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव संकेत था। तीसरा आपको समझना है कि एक न्यूज आपको देखने को मिली जो थर्मल पावर नागपुर में है रिलायंस पावर का, वो भी अधिग्रहण कर रहे हैं जो करीब 600 मेगावाट का था और उसके अंदर लिखा था कि इसके साथ अडानी पावर की जो क्षमता है ग्रोथ की तरफ अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए कर सकता है। तो यहां से यह भी इसके लिए एक पॉजिटिव संकेत था। ये सारी अडानी पावर के लिए बेस्ट चीजें आ रही हैं। दूसरा जो एक न्यूज निकल कर आई है कि अडानी ग्रुप अडानी पावर और अंबुजा सीमेंट से अपनी 5% की हिस्सेदारी सेल कर सकता है। यहां से इस न्यूज से अडानी पावर गिर गया, अंबुजा सीमेंट गिर गया। अब आप एक बात समझाओ, बांग्लादेश के अंदर अपनी चीजों को कंटिन्यू करेगा, यहां पर भी थर्मल पावर का अधिग्रहण की चीजों के साथ तो ये निकल रहा है। दूसरा आपको एक चीज और समझने की, अगर अंबुजा सीमेंट इतना ही इस न्यूज से गिर के टेंशन में आना है तो फिर इन्होंने अपना जो पन्ना सीमेंट है दक्षिण की तरफ उसका अधिग्रहण अभी 10,000 करोड़ रुपए करीब का क्यों किया है। मैंने आपको एक चीज कहा था कि अगर सीमेंट के क्षेत्र में इनको अच्छा बनना है तो अंबुजा सीमेंट और ACC है वो इनको बलवान करेगी, और अंबुजा सीमेंट दक्षिण में बढ़ने के लिए अलग अलग कंपनियों का अधिग्रहण कर रही है, जहां पर पन्ना जो है सीमेंट, पन्ना सीमेंट जो है शायद यही नाम है, वो इसकी उपलब्धि को अच्छा कर रहा है जहां दक्षिण की तरफ ये अपनी चीजों को बढ़ाएंगे। अब आपको समझना है कि अगर अडानी ग्रुप 5% का स्टेक इस तरीके से जो न्यूज आई है सेल कर रहा है तो वो उनकी अपनी रणनीतियां हैं भैया, उन्होंने काम कुम बंद नहीं किया है, उनका जो भी रणनीति है वो कर सकते हैं क्योंकि अडानी पावर के अंदर अगर हम देखें तो 72.71% के प्रमोटर हैं। दूसरा अंबुजा सीमेंट के अंदर अगर हम देखें 70.33% के हैं। रणनीतियां बहुत आसान है, वजूद पकड़ो, काम पकड़ो, और लाजमी अगर आप ऐसी ऐसी न्यूज से विफलता की ओर चलोगे तो फिर कर लिया फिर हमने काम, फिर आप ये समझ लेना है ना। तो कुछ चीजों को उसके काम के अनुसार देखना शुरू कर दो। तो ये न्यूज कुछ लोगों को लग गई नेगेटिव, पर हमें तो पॉजिटिव लगी, हमने तो आज भी अडानी पावर के शेयरों को थोड़ा सा सिप के अनुसार लिया है, अंबुजा सीमेंट हमारे पहले ही है, तो हम आगे की दिशा देख रहे हैं ना। तो अभी की दिशा में भैया वो मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं, चीजों को जिस दिन समझ में आना शुरू हो गया बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। देखो सर, इन चीज़ों से जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कल मैंने आपको वेदांता की साइकोलॉजी बताई है, ओला की रणनीतियाँ साइकोलॉजी के अनुसार बताया है, सुजलोन एनर्जी की साइकोलॉजी जो न्यूज के अनुसार बताई है, और फिर आर पावर की तेजी जो है जो एक्सचेंजों ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा है उसके अनुसार भी कल मैंने आपको बताई है। इसी के अंदर अगर अडानी पावर जो है बातचीत कर रहा है नागपुर में जो थर्मल पावर है जो 600 मेगावाट का है, उसकी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो न्यूज के अंदर कुछ विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। एक्सचेंजों के स्पष्टीकरण मांगने की चीज़ों के अनुसार रिलायंस पावर ने ये कहा कि वो मीडिया के अटकलों की ऊपर अपनी टिप्पणी नहीं करता। क्या मतलब है इसका? कि वो जो मीडिया में बातचीत चीज चल रही है, अटकले का मतलब क्या होता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, वो उन पर टिप्पणी नहीं करता है। और उन्होंने ये कहा है कि जो चीज बताने की विधि के अनुसार होगी वो जरूर चीजें बताएगा। अब शेयर के अंदर बाजार के अंदर उतार चढ़ाव के लिए वो कोई भी टिप्पणी देने के लिए
चीजें नहीं खोजता है। यहां से आपको चीज समझनी है कि अडानी पावर ने कोई भी टिप्पणी करने से इसके अंदर मना किया है और यह कहा है कि भैया अटकलों के अनुसार वो कोई भी टिप्पणी नहीं करता है, और ऐसी कोई चीजें होंगी तो वो जरूर से जरूर इसके बारे में बताएगा। तो यहां से तो रिलायंस पावर ने अपनी चीजों को अलग कर लिया है। अब मकसद ये आता है कि देखो सर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक दिवालियापन कंपनी है, उसकी रणनीतियां अडानी ग्रुप बना रहा है। आज की ही अगर मैं आपको एक हेडिंग बताऊं और आपसे पूछूं आपको इसके अंदर दिख क्या रहा है, तब आप मुझे बताना। देखो सर, लोग किस तरीके से कैसे कैसे वीडियो बनाते हैं, क्या समझकर क्या हमें बता देते हैं, क्या तेजी के संकेत हमें दिखाकर, क्योंकि शेर तो भाग रहा है वो भी तेजी दिखा रहे हैं, तो लाजमी वहां पर हमें समझना है कि भैया ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबको तेजी दिखेगी, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो जो छुपी हुई चीज़ है वो किसी किसी को ना दिखे। तो किसी ना किसी को तो वो छुपी हुई चीज़ को खोजना पड़ेगा ताकि हम सच्ची एनालाइज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। देखो सर, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि अडानी पावर ने नागपुर के जो थर्मल पावर है, जो 600 मेगावाट का है, उसके लिए बातचीत शुरू कर दी है। जो कभी अब बिल्डिंग देखना, जो कभी अनिल अंबानी की दिवालिया कंपनी रिलायंस पावर के स्वामी तत्व में थी। क्या है इस हेडिंग का मतलब, क्या है इस लाइन का मतलब, आप मुझे बताओ। जो कभी अनिल अंबानी की दिवालिया कंपनी रिलायंस पावर के स्वामी तत्व में थी है इसके अंदर। क्या इस न्यूज से, इस चीज से आपको क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है? यहां से कुछ चीजों को आप इस लाइन को खुद समझो, बैठकर विचार करो और फिर मुझे आके कमेंट करो कि ये जो लाइन है इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। इस वजह से तो ऐसा लग रहा है कि वो थी अब नहीं है, और दिवालिया की चीजें भी आ रही हैं। तो मैंने आपको पहले कहा था कि जब हम चीजों को नहीं समझते तो लाजमी कहीं ना कहीं हम धोखा खा सकते हैं। भैया इस लाइन के ऊपर वो चीजें मैंने आपको बताई है, अगर ये चीजें जो कभी नहीं आती, जो कभी अनिल अंबानी की दिवालिया कंपनी रिलायंस पावर के स्वामी तत्व में थी, तो अब किसके स्वामी तत्व में है ये हमें आगे समझना है। आगे इसके ऊपर कुछ चीजें आएंगी तो फिर वो अपनी साइकोलॉजी अलग बनेगी। अभी यहां से तो हमें लग रहा है ये चीजें निगेटिव, और अडानी पावर अगर ये करेगा तो उसके लिए पॉजिटिव। तो इस न्यूज की वजह से जो स्पष्टीकरण मांगा है, तो थोड़ा सा आज आपको रिलायंस पावर निगेटिव देखने को मिल गया। बाकी अपने अपने विचार हैं। देखो सर, हमें तो न्यूज में ये देखने को मिला है, आपको क्या चीज़ देखने को मिल रही है वो आप बता देना। मुझे किसी भी शेयरों के अंदर खरीदने बिकवाने की चीज़ें नहीं है, मैं तो वो तथ्यों को पकड़ता हूँ जो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है और कुछ लोग उसे अलग अलग ढंग से हमें बता देते हैं, तो हमें वो चीज़ें पकड़नी है। तो अडानी ग्रुप अगर अंबुजा सीमेंट और अडानी पावर से अपनी 5% की हिस्सेदारी को सेल कर रहा है, तो भैया उसकी हिस्सेदारी भी तो कितनी है, और कर क्यों रहा है उसका वो हम अपना पर्सनल मैटर है, वो अपने व्यापार की चीज़ों के साथ। हमें तो देखना है कि अडानी पावर काम क्या क्या कर रहा है, मैंने वो काम समझाए हैं। हमें तो देखना है अंबुजा सीमेंट ने क्या अधिग्रहण कर लिया है, हमें तो वो चीज़ें समझनी है। कहाँ के लिए वो अपनी चीज़ें बढ़ा रहे हैं, हमें तो वो चीज़ें समझनी है। जोमैटो के अंदर जो एक न्यूज़ निकल कर आई, जिसने जोमैटो के अंदर सबके अंदर एक अपनी एक परिकल्पना डाल दी, हाँ वाकई ही एक न्यूज़ बड़ी पॉजिटिव है। और ये डील अगर छोटी होती तो भैया 100-200 करोड़ की होती, ये डील तो 2048 करोड़ की है, जो अपने आप में एक बड़ी डील है, जिससे जोमैटो के कारोबार में और 4 चांद लग जाएंगे, इस तरीके से विश्लेषक बोल रहे हैं, और अपने टारगेट भी भैया बढ़िया बढ़िया दे रहे हैं। चीज़ों को आपको खुद ब खुद समझना पड़ेगा, अपनी रणनीतियों को अलग ढंग से प्रस्तुत करना शुरू कर दो, समझने की विधि को और अच्छा करना शुरू कर दो। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ, ये आप समझ कर चलना। टारगेट में जब तक आप खो जाओगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। जहां आपने लाइनों को पकड़ना शुरू करा, भैया यही आपको पैसा कमा कर दिखा देंगे, मैं आपको इतनी सी बात बता दूं। तो भैया किसी भी शेयर के ऊपर मैंने आज जो वीडियो बनाई है, कहीं भी ये नहीं कहा कि खरीद लो बेच लो। जो न्यूज आई है वो आपको भी पता है, मैंने आपको उसको तथ्यों के अनुसार समझाया है, तो हम न्यूज के एनालाइज करते हैं, आप ये चीजें समझ लो, है ना। तो सर, सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ समझ कर देखिए, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।